फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, संस्कृत, सोशल और कंप्यूटर। ओए, ये तो बहुत ज्यादा भारी है, आज भी इतना भारी बैग उठाना पड़ेगा। वेरोनिका, तेरा भी बैग भारी है क्या? हाँ, और आज से एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं। ओए, तो पता नहीं कब इस भारी बैग से छुटकारा मिलेगा। चल अब बस ना छूट जा जल्दी। चल जल्दी। बाय मम्मी। बाय पापा। यार ये लिफ्ट इतनी धीरे धीरे जा रही है, हम लेट ना हो जाए। यार जल्दी आना। जल्दी आओ। वेरोनिका जल्दी चल, बस छूट जाएगी। जल्दी आओ दीदी, मेरी यहाँ बैग बहुत भारी है। दीदी जल्दी। दीदी लगता बस छूट गए। भारी नहीं होता ना तो हम भाग कर बस पकड़ लेते। बच्चों, आज आपके सोशल की मैम नहीं आई है तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड है हिंदी का, निकालिए अपनी अपनी पुस्तकें। क्या क्या? लेकिन सर हिंदी तो टाइम टेबल में था ही नहीं, इसलिए हम उसकी नोटबुक ही नहीं लाए। अब लिखेंगे कैसे? अच्छा, हिंदी की कॉपी नहीं लाए तो ऐसे बच नहीं सकते तुम। ऐसा करो, रफ कॉपी निकालो और उसमें नोट लिख लो। हैं? यार बैग बहुत भारी हो गया है। क्यों ना हम अपनी बुक्स लॉकर में रख दे स्कूल वाले में? अरे यार नहीं, हर सब्जेक्ट में होमवर्क मिला है और मंडे से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। अब फिर पता नहीं ना कब किस बुक की जरूरत पड़ जाए, ऐसे ही चलते हैं। चलो दीदी, काश अगर हमारे पास एयरपोर्ट वाला बैग होता। हाँ यार, फिर तो मजा आ जाता, बुक्स उठाने का कोई टेंशन ही नहीं होता। वाह यार, ये बैग तो बहुत अच्छा है स्कूल के लिए। हाँ, उठाना ही नहीं पड़ रहा। हाँ, और भारी भी नहीं है। हाँ। क्या हुआ, इतने थके हुए कैसे दिख रहे हो दोनों? मम्मा, इतने भारी था बैग। और इतने भारी बैग में हम लोग हिंदी की बुक ले जाना ही भूल गए। और अब देखो ना, मेरे शोल्डर्स में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे भी। बस इतनी सी बात? अच्छा ऐसा करो, अभी तुम कपड़े बदल लो, फ्रेश हो जाओ और फटाफट खाना खा लो। मैंने तुम्हारा फेवरेट दाल चावल बनाया है। ओके, फटाफट आ जाओ। और जब नेक्स्ट टाइम बैग पैक करोगे तो मुझे बुलाना, आई विल हेल्प यू। ओके, डोंट वरी, गो। ये मेरी नॉवल खुश। हाँ तो भारी आज तो। रुक मैं देखती हूँ मेरा कितना है। ओ, ये तो सुपर 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 भारी है। मम्मा देखो ना, ये बैग तो सुपर भारी है। मम्मा देखो ना, आज का बैग इतना भारी है कि उठ भी नहीं रहा। देखो मेरा भी देखो। इस बैग को खाली करो, सारा सामान निकालो बिस्तर पर, मैं चेक करती हूँ। पर मम्मी अभी तो सारी बुक्स लगाई हैं। फिर से लगाएंगे, रखो इसको, निकालो सारा सामान। मिक्स नहीं करो अपनी बुक्स और दीदी की बुक्स, मिक्स नहीं करो। तो ये मैथ्स का है। हाँ। मैथ्स की बुक और ये दोनों नोटबुक मैथ्स की है। हाँ। ये दो नोटबुक क्यों लेके जा रही, ज्योमेट्री अलजेब्रा दोनों क्यों लेके जा रही हो? मामा क्योंकि आज मैथ्स का पीरियड है ना। पर बेटा, मैडम ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों तो नहीं पढ़ा देंगी ना, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? ज्योमेट्री। तो फिर ज्योमेट्री की नोटबुक लेकर जाओ, एक्स्ट्रा नोटबुक क्यों कैरी करनी है? ओके। कंप्यूटर्स का पीरियड है। हाँ ठीक है। सोशल है ये, हिंदी और संस्कृत। बेटा हिंदी और संस्कृत आपका दोनों में से एक लैंग्वेज का पीरियड होता है एक दिन में, आप दोनों की बुक्स क्यों लेके जा रहे हो? मम्मा आज तो संस्कृत का पीरियड है, लेकिन आपको पता है ना कल हिंदी की सब्स्टिट्यूशन हुआ था और मेरे पास बुक नहीं थी, तो इसलिए आज मैं
हिंदी भी लेके जा रही हूँ। बेटा ऐसा नहीं होता, इतनी सारी एक्स्ट्रा बुक्स क्यों कैरी करनी है, आप संस्कृत की बुक लेकर जाओ। बाई चांस अगर किसी सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूशन होता है, आपके पास बुक नहीं है, तो नोट डाउन इन रफ नोटबुक। ओके मामा। बेटा अब जो है ये जो मोटी मोटी बुक्स है इनको सबसे पीछे रखो। Okay. और जो लाइट बुक्स होती है आगे रखो, उससे आपकी बैग को लोड बियर करने में आसानी होगी। रखो इनको, अब दिखाओ ये क्या है, ये नॉवल तुम स्कूल लेके जाती हो? मम्मा मैं जब भी बोर होती हूँ तो मैं ये बुक पढ़ लेती हूँ। स्मार्ट बनो, अगर बुक कैरी करनी है तो कोई पतली सी स्टोरी बुक, ये पूरी नॉवल एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते ना आप। और ये आपका पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इतना सारा सामान क्यों कैरी करती हो? इतना सारा थोड़ी ना एक दिन में यूज होता है बेटा। आपका जो जरूरत का सामान है उसको लेकर जाओ खाली, और नहीं तो आप दो पेंसिल बॉक्स और ज्योमेट्री सेट भी बना सकते हो, आपके पास इतनी सारी स्टेशनरी है। आप दो सेट बनाओ, एक स्कूल की कभी में छोड़ दो और एक घर पे रखो, होमवर्क के लिए ये, क्लासवर्क के लिए। रोज इसको कैरी क्यों करना है, इसका वजन ही 250 ग्राम से ज्यादा है। और बेटा ये बॉटल आपको हैवी लगती होगी, मैंने आपके लिए आज पानी की बॉटल फ्रेश आप दोनों के लिए बना के रखी है, बॉटल्स रखी हैं टेबल पे, जाओ लेकर। बेटा दीज आर लाइट वेट बॉटल्स, ठीक है, लाइट है ना, ये लेके जाओ। और इसमें मैंने पानी को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको अपने लंच बैग में रखना, आपका वाटर वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको खाने के टाइम पानी ये यूज करना, बाकी टाइम ये यूज करना। ओके मम्मी ये बहुत हल्का हो गया। Yes. Hey friends, कभी भी एक्स्ट्रा सामान कैरी मत करो, नहीं तो आप ही को दर्द होगा। I'm sure आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। Meet you in the next video. Bye bye. See you.